राजस्थान की टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या है रोहित? वो चौंकाते हैं। अजिंक्य रहाणे क्या T20 में मतलब आग लगाने वाले प्लेयर हैं? इनमें से कोई बड़ी बात नहीं है कोई वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए। ये टीम अच्छा खेलेगी। इनके पास ये 5 फॉरनर्स बहुत बड़े हैं। इस टीम में स्पिनर नहीं है। आपको अगले साल वर्ल्ड T20 नहीं खेलना है। नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान तक में। बात IPL की होगी। IPL में राजस्थान की टीम वो टीम है जिसने सर पहले ही सीजन में सबको चौंकाते हुए, क्योंकि कोई मान नहीं रहा था कि ये ऐसी टीम है जो पहली ही बारी में आकर चैंपियन बन जाएगी, लेकिन राजस्थान की टीम ने पहली ही बारी में ये साबित कर दिया कि उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। और राजस्थान की टीम हर साल अपने परफॉर्मेंस से सरप्राइज करती है, एबिलिटी से ऊपर खेलती है। ये अलग बात है कि वो जीत नहीं पाए हैं उसके बाद। वो इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि कई बार जीतने के लिए जो एक फाइनल क्रैक होता है ना, उसके वो पहले IPL के बाद से उनके पास था नहीं। इस साल भी अगर आप देखें पेपर पर टीम आपको अच्छी दिखती है। इस टीम में अजिंक्य रहाणे हैं, बट अजिंक्य रहाणे क्या T20 में मतलब आग लगाने वाले प्लेयर हैं? नहीं, बट वो हैं कि सेफ हैं, उनके इर्द गिर्द बाकी बैटिंग चल सकती है। उनके पास बड़े प्लेयर कौन से हैं? उनके पास बड़ा प्लेयर है जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स। ये 3 फॉरनर्स हैं और ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो, स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली इज मेकिंग अ कमबैक, और वर्ल्ड कप अगर वो खेलते हैं तो बटलर, स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स तो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं रोहित, इनमें से कोई बड़ी बात नहीं है कोई वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए। ये इतने बड़े प्लेयर हैं, बट ये 3 फॉरनर्स हैं, विच वुड ऑल्सो मीन कि जो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है, अभी जैसे 5 तारीख को आपका लीग फेज खत्म होगा, तो ये सब 1 मई तक अपने अपने फ्रेंचाइजी को छोड़ के ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के प्लेयर जो है वो चले जाएंगे अपने अपने मुल्क अपने वर्ल्ड कप कैंप्स के लिए। बिल्कुल, विच वुड मीन कि हो सकता है कि आखिरी 1 या 2 मैच कम से कम इन प्लेयरों को राजस्थान के लिए छोड़ने पड़े, लीग मैच, लास्ट 1 या 2 लीग मैच जो कि कभी कभी आप जानते हैं हमेशा मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ होता है। आखिरी दिन आखिरी मैच में जाके 4 सीटें जो है वो डिसाइड होती हैं, और फिर उसके बाद वो जो प्ले ऑफ वाला हफ्ता है उसमें तो अवेलेबल ही नहीं होंगे, फाइनल में अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो ये इनके चांसेस को कम कर देती है। ये टीम अच्छा खेलेगी, लेकिन एक जो बड़ा नाम है जिसने वो जो वनडे मुकाबला है भारत के अगेंस्ट जिता दिया, एस्टन टर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी तो जाएंगे अगर वर्ल्ड कप में उनकी उनका सिलेक्शन होता है तो वो भी जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं वो बात कह रहा था आपको कि ये जो 3 बड़े नाम है, तो अब ये नाम भी एक अचानक से स्पॉटलाइट में आया है, लेकिन दुनिया बात कर रही है इस खिलाड़ी के बारे में कि एस्टन टर्नर राजस्थान रॉयल्स के लिए वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं, या ब्रेकआउट प्लेयर तो अब उन्हें नहीं कहेंगे क्योंकि अब वो स्पॉटलाइट में आ चुके हैं, लेकिन एस्टन टर्नर एक नाम, बड़ा नाम है। एस्टन टर्नर एक बड़ा नाम है, और छोटे मैदान तो ज़्यादा लंबा क्लियर भी करेंगे। जोफ्रा आर्चर को भी भूल रहे हैं आप, उनके पास आउट एंड आउट एक ऐसा फास्ट बॉलर है जो हो सकता है कि इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में भी सिलेक्ट हो जाए। तो दिक्कत यही कि इनके पास ये 5 फॉरनर्स बहुत बड़े हैं, ये 5 ही हैं बड़े फॉरनर्स, इनमें से किसी एक को बाहर बिठाना पड़े करेगा, सो वो रहाणे को रोटेट करना होगा। इस टीम में स्पिनर नहीं है, ईश सोडी अगेन अ फॉरनर, ईश सोडी वाहिद स्पिनर हैं, तो इसका मतलब वो तो खेलेंगे। अब आपके पास जगह बच गई सिर्फ 3 फॉरनर्स की, बिल्कुल, अब उन 3 को कैसे रोटेट करेंगे, दैट बी अ प्रॉब्लम। और स्पिनर ना होना IPL में थोड़ी सी दिक्कत रोहित आ जाती है, सवाई मानसिंह से। एग्जैक्टली, और आपने देखा है जिस तरह से लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट बदली है, T20 या वनडे क्रिकेट हालिया बदली है, उसमें रिस्क स्पिनर्स का या स्पिनर्स का रोल बढ़ गया है। ईश सोडी इस फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर हैं, विकटे ले सकते हैं, बट उनके साथ कौन बॉल करेगा? लेकिन एक खिलाड़ी और है जो लोकल प्लेयर है, कृष्णप्पा गौतम। इस खिलाड़ी ने पिछले IPL में जसप्रीत बुमराह के को पिटाई लगाई थी, और वहां से इस खिलाड़ी का नाम बहुत बड़ा हो गया, मुंबई इंडियंस को मैच हरा दिया इवेंचुअली वो। तो मुझे लगता है एक जो लोकल प्लेयर है जिसकी तरफ आप कहते हैं ना कि यार लोकल में कौन है तुम्हारे पास, जो एक डार्क हॉर्स, हाँ, लेकिन संजू सैमसन एक अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, लेकिन ये खिलाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 राजस्थान की टीम के पास ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अगर चल गए ऑन देयर डोर। IPL क्यों इतना बड़ा मंच है? यहाँ पर आप देखें तकरीबन हर साल 1-2 प्लेयर्स ऐसे आते हैं जो कि मतलब पीछे से आके, अब पिछले साल क्या उठा लीजिए, माइंक मार्कंडे जो कि पंजाब नहीं खिलाता था, पंजाब मतलब रणजी ट्रॉफी टीम में जगह नहीं थी, वो मुंबई इंडियंस के लिए क्या खेले, आज इंडिया खेल गए। सो आपको ये भी समझना होगा कि ठीक है, अब हम वर्ल्ड कप की बात तो कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए तकरीबन ठीक है हम जानते हैं कौन से प्लेयर होंगे, कौन किन में से होंगे, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद भी तो क्रिकेट होनी है। आपको अगले साल वर्ल्ड T20 नहीं खेलना है, आपको अगले साल वर्ल्ड T20 भी तो खेलना है, तो उसके लिए भी तो इन यंगस्टर्स के पास ही मौका रहेगा ना, यही तो अपने आप को कर सकते हैं। तो फाइनली आप राजस्थान तक के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, उम्मीद कितनी लगाएं प्रैक्टिकली आप, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से टीम अच्छी है पर टीम में लिमिटेशंस हैं, और ये आपको अच्छे मोमेंट्स देंगे,
अच्छे दिन आएंगे, अच्छे मोमेंट्स देंगे, बट सवाल यही है कि आईपीएल जीतना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि 1 मई के बाद जब फॉरेन प्लेयर्स को अपने अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा तो वही इस टीम की ताकत है। अजिंक्य रहाणे के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या वो कंसिस्टेंट बैटिंग कर सकते हैं आउटसाइड? मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि उनका चांस है, मे भी दूर दराज एक आउटसाइड चांस है कि अगर वो शुरू में आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर जाएं, लंबी स्कोरिंग कर जाएं, तो वर्ल्ड कप में नंबर 4 के लिए एक कंटेंडर हो सकते हैं, मुश्किल लगता है। सो अपॉर्चुनिटी है। और राजस्थान की टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या है रोहित? वो चौंकाते हैं हमेशा। हर बार इससे पहले ये कहा जाता रहा, हर आईपीएल से पहले, यार टीम में वो चीज़ नहीं है, लेकिन टीम एबिलिटी से बेटर परफॉर्म करती है। हो सकता है इस बार भी करें, बट मुझे लगता है कि इस बार आईपीएल जीतने वाली टीम वो होगी जिसके पास इंडिया के बड़े प्लेयर होंगे। जिस टीम के पास इंडिया के बड़े प्लेयर है ना, या वो प्लेयर जिनको वर्ल्ड कप के कैंप अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्री नहीं जाना, वो टीम जीत सकती है। चलिए चुनाव में देखते हैं, जिसके अच्छे दिन आए ना आए, लेकिन एक बात तो तय है कि राजस्थान के लोगों के अच्छे दिन आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस आईपीएल के दौरान हम स्पोर्ट्स तक पर तो आपसे मिलते ही रहेंगे, लेकिन राजस्थान स्पेसिफिक जो मैचेस होंगे ना, राजस्थान तक पर भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान तक पर भी हर उस मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें राजस्थान की टीम खेल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, और अगर आप राजस्थान के कट्टर फैन है ना तो इस चैट को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।